आर यू पीपल स्टिल कन्फ्यूज अबाउट कि जब हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं तो पोजीशन का जिक्र होता है पोस्ट का लेकिन जब हम करने लग जाते हैं वो तो उसके लिए हम जॉब और टास्क का वर्ड यूज करते हैं सो देन द वीडियो इज फॉर यू अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू हिंदी सीकर नाइन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माई वीडियो इस वीडियो में हम लोग पोजीशन और पोस्ट जॉब और टास्क के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और भी डिफरेंस हैं जो माइनर होते हैं लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में और राइटिंग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं सो so उन के लिए आपको चैनल विजिट करना पड़ेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होंगे सो मस्ट विजिट डैट और पोजिशन और पोस्ट में मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि यार एक एडवर्टाइजमेंट आई है तो अब उसके लिए पोजिशन का वर्ड यूज़ करें या पोस्ट का सो दीज टू टर्म्स आर सिमिलर आप कोई सी भी टर्म यूज़ कर सकते हैं और ये इसका डेफिनेशन यू कैन से डैट सो किसी की भी जॉब को आप इनफॉर्मल uh, इंग्लिश में पोजिशन और पोस्ट कह सकते हैं कि जी उसकी पोजिशन ये है उस कंपनी में या वो इस पोस्ट पर जॉब कर रहा है सो so, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में मोस्टली जॉब और पोस्ट का ही जिक्र होता है ये टर्म्स यूज़ होती हैं सो फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉब कर रहा है तो आप कहेंगे कि उसकी ये पोस्ट है वो बैंक मैनेजर है ठीक है पोजीशन क्या बैंक मैनेजर है वो इस पोस्ट इस स्केल की यानी सेवनटीन स्केल की पोस्ट पर है या सेवनटीन स्केल की पोजीशन पर है ठीक है तो ये वो टर्म्स हैं जो आप राइटिंग में और इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी है लुकिंग फॉर सम वन टू फिल अ सीनियर मैनेजमेंट पोजिशन यानी हम किसी के ढूंढ रहे हैं कि जो हमारी ये पोजिशन जो है सीनियर मैनेजमेंट की कंपनी में उसको फिल कर सके एंड आई एम राइटिंग टू अपलाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लैरिकल असिस्टेंट मतलब मैं एक ऐसी पोस्ट के लिए अपलाई करने लगा हूँ कि क्लैरिकल असिस्टेंट की किसी भी कंपनी में ऑफिस में सो पोस्ट एंड पोजिशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स बट जॉब इज पेड वर्क मतलब वो काम जिसके करने के आपको पैसे मिल रहे हैं ठीक है इन कन्वर्सेशन डोंट यूज पोजीशन पोस्ट मतलब आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में जॉब वर्ड यूज करेंगे ना कि पोजिशन और पोस्ट मीन मैं ये जॉब कर रहा हूं या मैंने ये पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया है लाइक ना फॉर एग्जाम्पल हिज जॉब वो अपनी जॉब यानी जिससे उसको पेमेंट मिल रही है उस काम को खो देने के खो देने से डर रहा है सो शी इज कॉट आर रियली इंटरेस्टिंग जॉब मतलब उसको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जॉब मिली है जिसकी उसको पेमेंट मिलेगी आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन uh, में इस टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड जॉब के रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ईडीएम्स हैं तो उनको देख लेते हैं ईडीएम जो नो डैट के जब एक वर्ड्स का एक फ्रेज होती है तो उसका जो स्ट्रक्चरल uh, मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है बट वो एक सेंस जो देख रहे होते हैं वो और ही होता है उसका मीनिंग डिफरेंट होता है फॉर एग्जाम्पल डू द जॉब अपना काम करो अब इसका क्या होगा मीनिंग ईडीएम uh, की फॉर्म में टू बी एफेक्टिव और सक्सेसफुल इन डूइंग वट यू वॉन्ट मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसमें कामयाब होकर दिखाएं और फॉल डाउन ऑन द जॉब अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि अपनी जॉब है उसके ऊपर गिर जाएं नो द मीनिंग इज़ टू फेल टू डू समथिंग दैट पीपल एक्सपेक्टेड यू टू डू और टू डू इट बैटली मतलब आप लोग जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ये जॉब या ये, ये काम ऐसे करेंगे तो आप फेल हो गए हैं उसको वैसा करने से या आपने उसको बहुत बुरे से किया है एंड हेर आर समर ईडियम्स गुड जॉब मतलब आप किसी को शाबाश दे रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है ऑन द जॉब कि वो एक अपनी पर्टिकुलर जॉब कर रहा है नो स्लीपिंग ऑन द जॉब एग्जाम्पल ये है इसकी कि अपनी जॉब पर सोना नहीं है तो मतलब जॉब के दौरान जब आप वो काम कर रहे हो वॉक ऑफ़ द जॉब यानी वॉक ऑफ़ द जॉब अब ये सेंस क्या दे रहा है कि चले जाओ जो जॉब जो से नो मीन्स डैट के स्ट्राइक एज ए स्ट्राइक या फिर आ, अपना काम रोक देना एहजाजन तो इसको कहते हैं वॉक ऑफ़ द जॉब होपफुली आपको इनका डिफरेंस और ये समझ आ गया होगा आप इंग्लिश स्पीकिंग में या राइटिंग करते वक्त नेक्स्ट टाइम इनका इनको इस डिफरेंस को जरूर कंसिडर करेंगे एंड जो ईडियम्स हैं वो बेशक प्रैक्टिस से ही आएंगे आप स्पीकिंग में राइटिंग में वन एवर यू विल राइट और स्पीक इनको प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको तभी अंडरस्टैंडफुल आप इनको कर सकेंगे और ये फिर आप कैजुअल बन जाएंगे क्योंकि आ, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं हम लोग एक बहुत ही सिंपल रीडिंग कर लेते हैं या हमें जी बस कहीं से आसान मटेरियल मिल जाए या आसान कंटेंट मिल जाए उससे क्या होता है कि हम जब आसान पढ़ते रहते हैं या फिर हम लोग प्रोफेशनली uh, या फिर एक क्वालिटी uh, हमारी कंटेंट में नहीं होती तो फिर हम लोग उसी के यूज हो जाते हैं फिर जब भी हम बोलेंगे तो हमारी क्वालिटी एवरेज होगी हमारी राइटिंग में हमारी एवरेज होगी बट वैन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग एक्सेप्शनल और आप क्वालिटी कंटेंट लिखना बोलना स्टार्ट करेंगे पढ़ने से ही होगा पहले आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ें फिर आप बोलें और फिर आप लिखें तो ये आपकी स्किल्स को आपकी राइटिंग स्किल्स को कम्युनिकेशन स्किल्स को अपर लेवल पर ले जाएंगी सो so, चैनल विजिट ज़रूर करें आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दें अल्लाह हाफिज़